कत्तर उंगले आशीर्वदी परमेश्वर आपको आशीर्वाद करे उरे वर वार्ते दान अन पेस भोगरे एक ही बातों को मैं आपके बीच में प्रचार करने वाला हूं 138वां संगीतम भजन संहिता 138 मूढ़ा वचनम उसमें तीसरा वचन नान कुपित्त नाली ले एनक मारु उत्तर अरल सैदीर एन आत्मविले बलन तंदु एने दायरीय पड़तीनीर जिस दिन मैंने तुझे पुकारा तूने मुझ पर उत्तर मुझे उत्तर दिया तूने मुझे शक्ति देकर मेरा साहस बढ़ाया इंदे ये लो वार्ते गले पाकम बोध इस हाँ पर जब वचन को पढ़ते हैं ये मूढ़ वचनंदा केवल तीन बात है अल अलगा चल्ला पट्टर कर इतने अच्छी तरह से लिखा है नान कुपित्त नाली ले जिस दिन मैंने पुकारा नान कुपित्त नाली ले जिस दिन मैंने पुकारा इरेमिया 33:3 सोलगर इरेमिया 33:3 में लिखा है नी एने नोकी कुपिड तुम मुझे और पुकारना नान उनक मारु उत्तर कोड़पे जब मैं तुझे उत्तर दूंगा उनक आरियाद दुम तेरे लिए जो नहीं समझता है उनकी एट्टाद दुम तेरे समझ के बार जो है तेरे कार्यत सैवन उतने बड़े महान काम करूंगा अनेक नरंगली ले कहीं समय में यारे कुपिड़वद किसको बुलाना है यारे कुपिड़वद किसको बुलाना है सौंद पोगरो निराश में पड़ जाते हैं कलंगी पोगरो व्याकुल में पड़ जाते हैं दुखित पोगरो दुख में पड़ जाते हैं एम मुड़ियमान सोलिने करो उठ जाएगा क्या अन्य कत्तर ने को मुले पाते चलगर परंतु आपको देखकर परमेश्वर कहता है कुपिड़वदर कोर मनुष्य उंड आपको बुलाने के लिए इंसान है कुपित्त वड़ने निन्न केकरदर कोर मनुष्य उंड पुकारते उत्तर देने के लिए इंसान है 58वां अधिकारम एसआया 58 में 9वां वचन कुंज वासित पारंगल नवा वचन को पढ़कर देखिए अप्पर्द नी कुपिड़वाई मारु उत्तर कोड़पार नी सत्तमिड़वाई इदो नान इरुकरे नंद सोल्वे अलेलुया चतमे केकलिए अलेलुया वरवेल वो कनवर इरुकरे न सोल्लमुडियाद तेरे पति है करकर बताने सकता है वो पिल्लिंग इरुकरे न सोल्लमुडियाद तेरे बेटे भी ये नहीं बोल सकता है वो उरवे इरुकरे न सोल्लमुडियाद तेरे रिश्तेदार भी नहीं बोल सकते अन्य आंडवर सोलगरा परंतु परमेश्वर कहता है नान इरुकरे न सोलरा मैं हूं और मनुष्य कुपिड़गरा एक इंसान बुला रहा है दाविदिन कुमारने ये दाऊद की बेटा दाविदिन कुमारने ये दाऊद की पुत्र एनक इरंगुम एन कुपिड़ वो बुला रहा है कि मेरे लिए उतरो जनंगलो परंतु लोग जनंगलो परंतु लोग सत्तते कोरेकरंग उस इंसान की आवाज को दबा रहे सत्तते चल रंग उस इंसान की आवाज को रोकने के लिए बोल रहा है परंतु वो अवनुडे वांच उनका चाहता दाग उसका प्यास आता अवनुडे एदिरपार्प उसका अपेक्षा था ये सत्तते निन्न केपार मेरे आवाज को रुक कर सुनेगा इनके उनका सत्तते निन्न केकबर आज आपके आवाज को रुक कर परमेश्वर सुनने वाला है वंदर करिंगला आप ऐसे सोचकर आए कि कोई यारो एनक बदल कुड़कलन वंदर करिंगला कोई मेरे लिए उत्तर नहीं दे रहा इनके दावण ले कत्तर चलगरा आज के दिन उनका सत्तते केकर दर कागे उनका सत्तते के दो उन्हें सही वधर कागे आपके आवाज को सुनने के लिए आपके आवाज के लिए उत्तर देने के लिए अवर कड़ंद वंदर करा वो यहां आया है अवर कड़ंद वंदर करा वो यहां आया है अंदर प्रसंसना उनर रहे उसके उपस्थिति को मैं महसूस करूं उनर रहे उसके सामर्थ्य को मैं महसूस करूं उसके कृपा को मैं महसूस कर रहा हूं कुपिटने एनक बदल कुड़पारान चली वंदर करा क्या आप ऐसे सोचकर आएंगे कि मेरे लिए कोई तो उत्तर देगा करकर वरवेल जनंग सोलला लोग कह सकते हैं कुपिड़ाद बुला मत वो कुड़म्ब एन तेरा परिवार क्या है वो गोत्र एन तेरा कुल क्या है वो कुल एन तेरा कुल क्या है वो इन एन तेरा जाति क्या है कुपिड़ादन सोली रुपांग लोग बताएंगे तुम मत बुलाना अन्य उन्होंने नोक कहना तरीमा परंतु मेरा उद्देश्य क्या है नकुपिता एन आंडवर निर्पा जब मैं बुलाऊंगा मेरे परमेश्वर रहेगा नकुपिता एन आंडवर बदल कुड़पा जब मैं बुलाऊंगा मेरे परमेश्वर उत्तर देगा आंडवर कुपिटा ने केनन केपा जब मैं इदाद उन्हें सैया में नक भोग माटा मेरे लिए कुछ करने के बिना वो नहीं जाएगा इनके निंगे कुपड़ बोरी आज आप बुलाने वाले हैं मनुष्य ने कुपट कुपट वेका पट बैठा इंसान को बुला बुला कर हम लज्जा हो गए बात बात वेका पट इंसान को देख देख कर शर्मिंदा हो गए चल रहा है परंतु यीशु आपसे कहता है आंडवर नोकी कुपड़ उसके और बुलाना अंदर अस्पताल ने क्या आर में इल्ल उस अस्पताल में मेरे लिए कोई नहीं था दुख का विसारी कर दिया अस्पताल के वंदांगे सब लोग मेरे से पूछताछ करने लिए अस्पताल आया मेरे लिए तसल्ली दिया इतनी ओपेर जब चिट पोनांगे कितनों प्रार्थना कर कर गया आर दल कटे के ला परंतु मेरे लिए तसल्ली नहीं मिला नोकी ना कुपिट परंतु परमेश्वर के बुलाया अंदर अरे तो नोक इन्ने परमेश्वर मेरे लिए बुला उद्देश्य क्या है मुझे इनके दावद से ये नो मेरे लिए कुछ तो आप करो निन्नो उनके न से इन्होंने कहता परमेश्वर ने रुक कर मेरे से पूछा क्या करना है पिल्ले तरनो मैं बोला परमेश्वर मेरा बच्चा देना पैर पले तरनो मेरा पोता को देना है बदल कुड़ता रंग उसने उत्तर दिया बदल कुड़ता रंग उसने उत्तर दिया और वेला उनका वाल खेल है आपकी जिंदगी में उनका कुड़म बतला है आपकी परिवार में कुपड़ रहने जब मैं बुला रहा हूँ बदल लिए नहीं करेंगे आप ऐसे सोच रहे हैं कि उत्तर नहीं है कुपड़ दल के निन्ने ना एन्न सेन उन के करा परमेश्वर आपके बुलाने के लिए रुक कर पूछता है कि तेरे लिए क्या करना है एन्न सेन उन के करा वो आपसे पूछता क्या करना है एन्न मां
क्या चाहिए उनका विरप என்னமா आपका चाहत क्या है எதிர்பார்ப்பு என்னமா आपका अपेक्षा क्या है பிள்ளைக்கு திருமண ஆகணுமா तेरे बेटी के लिए शादी होना है तेरे கற்பத்தின் கனி வேணுமா तेरे बेटी के लिए बच्चा चाहिए तेरे ஆசீர்வதிக்கப்படணுமா तेरा सेवा आशीर्वाद करना है तेरे ஆசீர்வதிக்கப்படணுமா तेरा धन आशीर्वाद करना है वो रुककर पूछता है वो रुककर सुनता है பாருங்க அவருடைய நின்னு கேட்டதனால அங்க சொல்லப்பட்டிருக்கிறது என்ன வேணும்னு சொன்னேன் நான் பார்வேடை வேண்டும் और जब रुक कर यीशु ने उसे पूछा तो उसने बोला मैं देखना चाहता हूं परमेश्वर उसने बोला मैं देखना चाहता हूं பார்வேடை मैं देखना चाहता हूं लेकिन அன்ப அருமையான சகோதரே சகோதரியே परमेश्वर के प्रिय लोगों तुमला பார்த்து சொல்றாரு परमेश्वर आपको देख कर कहता है जैसे तू बुलाएगा நின்னு கேக்குறவர் वो रुक कर सुनने वाला परमेश्वर है वो रुक कर सुनने वाला परमेश्वर யாரோ நின்னு கேக்கலன்னு சோர்ந்து போய் வந்திருக்கலாம் क्या आप नहीं सुना कर निराश में आए होंगे ஆண்டவர் परंतु परमेश्वर இந்த நாள்ல ஒரு திருச்சித்தம் கொள்ளுகிறார் परमेश्वर आपके ऊपर इच्छा रखा है நீங்க கூப்பிட மாட்டீங்களான்னு எதிர்பார்க்கிறார் वो चाहता है कि आप नहीं बुलाएंगे கூப்பிட மாட்டீங்களான்னு எதிர்பார்க்கிறார் वो ये चाहता है कि आप नहीं पुकारेंगे சொல்லப்பட்டிருக்கிறது दूसरा लिखा है நீங்க கூப்பிட்டேனா பதில் கொடுக்கிறது மட்டும் இல்ல केवल उत्तर नहीं देता है இரண்டாவது ஆத்துமாவுல பலன் கொடுக்கிறார் दूसरा जो है तेरे आत्मा में बल देता है ஆத்துமால பலன் கொடுக்கிறார் तेरे आत्मा में बल देता है ஆத்துமா சோர்ந்து போயிருக்கிறது ஆத்துமா निराश में है ஆத்துமா கலங்குகிறது ஆத்துமா व्याकुल में है எவ்வளவு செஞ்சா கூட कितना भी करो நன்றி இல்லையே நமக்கு हमारे लिए धन्यवाद नहीं है ஆத்துமா கலங்குது हमारा आत्मा व्याकुल में है ஆத்துமா व्याகுலப்படுது ஆத்துமா व्याकुल में है எனக்கு என்ன செய்தீங்க பரமேஸ்வர் ஆப் மீரே கே கியா நச்சு போயிருக்கறோம் மே தோ பல் நஹி ஆபிரகாம் சொல்லுகிறார் ஆபிரகாம் நீ பதாயா ஆதியாகமம் 15 ஆம் அதிகாரம் உற்பத்தி புத்தகம் 15 ஆம் அதிகாரம் 1 ஆம் வசனம் எடுத்து வாசித்து பாருங்க சிக்கறோம் பைல வசனம் படியே இந்த காரியங்கள் நடந்த பின்பு கர்த்தருடைய வார்த்தை ஆபிரகாமுக்கு உண்டாயிற்று உண்டாயி ஆபிரகாமே நீ பயப்படாதே நான் உனக்கு கேடகமும் மகா பெரிய பலனா இருப்பேன் அல்லேலூயா சத்தமே கேக்கலியே ஆத்துமாவுல ஆத்மாமே ஒரு பலன் கிடைக்கிறது एक बल मिलती है நாம நினைக்கிறோம் हम सोचते हैं தோய்ந்து போகுது ஆத்மா ஆத்மா निराश में पड़ जाती है ஆத்மா தோய்ந்து போன உடனே ஆத்மா निराश में जाते हैं हम सोर्ந்து போய் சொல்லுகிறோம் हम निराश में आकर बोलते हैं ஆண்டவரே வாழ்க்கை परमेश्वर मेरे जिंदगी नहीं चाहिए ஆண்டவரே வாழ்க்கை இந்த जिंदगी नहीं चाहिए ஒரு யோனா என்ற ஒரு மனுஷன் இருக்கறா யோனா एक इंसान था ஆண்டவர் செய்ய வேண்டிய வேலை பெரிய வேலை परमेश्वर करने वाला काम महान था ஆத்மா सोर்ந்து போய் சொல்லுகிறது परंतु उसका आत्मा निराश में कहने लगा அந்த கைக்கு தெரியாத மக்களுக்கு மத்தியில ये दोनों हाथ के बीच में फर्क नहीं पड़ने वाला लोगों के बीच में मैं जाकर सुसमाचार नहीं बताऊंगा मैं सुसमाचार नहीं बताऊंगा आत्मा निराश में आकर वो नीच बाहों पर सो गया था सोर्ंद आत्मा वही परंतु उस निराश में पड़े आत्मा को उस तके हुए आत्मा को डगमगाने वाले आत्मा को परमेश्वर के नाम की महिमा के लिए कार्यத்தை செய்யும்படி परमेश्वर की काम करने के लिए கேக்குறாங்க அதனால தான் ஒரு புயல் इसलिए एक आंधी आया அதனால தான் ஒரு காற்று एक इसलिए तूफान அதனால தான் ஒரு தோய்வு इसलिए एक தகாவ அதனால தான் ஒரு வேதனை इसलिए एक दर्द அவன் சொல்றான் என்னால தான் வந்தது वो कहता कि मेरे लिए सब आया தோய்ந்ததனால मेरे आत्मा निराश में इसलिए தூரத்துக்கு போகாததனால मैं जो जहां पर जाना था नहीं गया ऐसा एक परिस्थिति है इसलिए मुझे पानी में डाल दो தண்ணிக்குள்ள போட்டா கூட அந்த ஆத்மா தோய்வு விட மாட்டார் उस पानी के अंदर डाल के भी उस आत्मा को तराश में नहीं डालता है परमेश्वर आत्मा को निराश में डालता है वो जो करने तक वो आपको और मुझे नहीं छोड़ेगा वहाँ निराश में पड़ा हुआ आत्मा की मच्छी है एक निराश में पड़ा हुआ आत्मा की मच्छी है उस मच्छी के पेट में था वो निराश में बुलाने लगा व्याकुल में बुला रहे हैं परमेश्वर में जा रहा हूँ अंडर चला उन्नो कोण दंगे परिये कार्य तसे परमेश्वर ने बताया तुझे लेकर बड़ा काम करूँगा निराश में पड़ा हुआ आत्मा कलंगी पोन आत्मा व्याकुल में पड़ा हुआ आत्मा सुनने लगल वरम்போது ஆண்டவரே என்ன கொண்டு இந்த செய்ய முடியுமா கேக்குற ஆத்துமா जब परिस्थिति आते वक्त मुझे लेकर आप मुझे करेंगे क्या कर कर पूछने वाला आत्मा ஏன் சொல்லறுனா ஏன் ஆத்துமா கலங்குதன்றாரு परमेश्वर कहता कि यार से क्यों तेरा आत्मा कलंग ஏன் ஆத்துமா கலங்குதன் சொல்ற दाऊद के देखकर परमेश्वर पूछता कि क्यों तेरा आत्मा व्याकुल में पड़ रहा है क्या तेरे आत्मा में बल के बिना आया है आत्मा में चंद्रक्रिया तेरे आत्मा में परमेश्वर कहता है बल पड़त पोर तुझे मैं बल दिलाऊंगा 46 1 சொல்லுது भजन संहिता देवन உனக்கு அடைக்கலமோ பலனோ ஆபத்து காலத்துல அனுகலமான துணையா இருக்கிறார் परमेश्वर तेरे लिए बल है और तेरे लिए वो तेरे दुखों के समय पर तेरे लिए वो बल होकर खड़ा रहता है உனக்கு எப்படி இருக்கறாரா वो तेरे लिए कैसा है आत्मा तोइंद போகும்போது जब तेरा आत्मा निराश में पड़ेगा आत्मा तोइंद போகும்போது जब तेरा आत्मा निराश में पड़ेगा தைரியப்படுத்தி तुझे लेकर हिम्मत दिलाकर செய்ய வேண்டிய காரிய
காரியத்தை வோ ஜோ கர்னே வாலா காமோ கோ அவர் செய்து முடிப்பார் வோ பூரா கர்த்தா ஹே மூன்றாவது சொல்லப்பட்டிருக்கிறது திஸ்ரா லிகா ஹே அவர் உன்னை தைரியப்படுத்துவார் வோ துஜே சாஹஸ் படாயேகா உன்னை தைரியப்படுத்துவார் தேரா சாஹஸ் படாயேகா நீங்க நேரங்களில கஹி சமய மே தைரியம் அச்சு போகிறோம் ஹம் ஹிம்மத் கி பினா ரஹே ஹே வேதத்துல ஒரு மனுஷன் இருக்கிறார் வச்சன் மே இன்சான் ஹே அவருக்கு பேரு தானியல் என்று சொல்லிப்பே உஸ்கா நாம ஹே தானியல் அவருக்கு சட்டம் பிறப்பிக்கப்பட்டது உஸ்கே விரோத் கானூன் ஆ கயா தா சட்டனா சட்டம் பயங்கரமான ஒரு சட்டம் எக் பயான கானூன் தா சிங்க கேபி ओ सिंह का गुफा में यदि तू यदि तू प्रार्थना करेगा यदि तू वचन पढ़ेगा यदि तू उपास लेगा आड़ी पाड़ी तुदिचना यदि तू गीत गाएगा सिंह कभी तेरे लिए गुफा है अना और भय पड़वे परंतु नहीं डरा अना भय पड़वे वो नहीं डरा अना भय पड़वे वो नहीं डरा अना भय पड़वे वो नहीं डरा உனக்கு தெரியும் उसको पता था என் தேவன் என்னை मेरा परमेश्वर मुझे என் தேவன் என்னை मेरा परमेश्वर मुझे என் தேவன் என்னை मेरा परमेश्वर मुझे என்னை தைரியப்படுத்தி இருக்கிறார் मुझे हिम्मत दिलाया என் தேவன் என் கூட இருக்கிறார் मेरा परमेश्वर मेरे साथ है பயப்பட வேண்டிய அவசியம் இல்லை मुझे डरने का जरूरत नहीं கலங்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை व्याकुल होने का डर नहीं है கூப்பிடும்போது என் தேவன் வருவார் जब पुकारेगा परमेश्वर आएगा उत्तर देगा மூணு வேளை ஜெபித்தானாங்க வோ तीन बार प्रार्थना किया दोरला திறந்து வச்சிட்டு ஜெபித்தானாங்க अपने द्वार खोल कर प्रार्थना किया சின்ன பிரச்சனை வந்தா ஜெபம் நின்னு போகுது आज एक थोड़ा सा समस्या आते प्रार्थना रुक जाते हैं वचन पढ़ना रुक देते हैं उपवास நின்னு போகுது उपवास रुक देते हैं थोड़े देवालयத்துக்கு போகிறது நின்னு போகிறது परमेश्वर के मंदिर जाना रुक जाते हैं பிக்கப்பட்டது कानून आया विरोधமாய் சிங்க கபி இருக்கு तेरे विरोध सिंह का गुफा होगा انا பயப்படாத परंतु मत डरना என் சொந்தக்காரலாம் வந்து கேட்டாங்க मेरे रिश्तेदार मुझसे आके पूछे என் உறவெல்லாம் வந்து கேட்டுச்சு मेरे रिश्तेदार आके पूछे यस यस சொன்னீங்க ஏசு ஏசு बोले यस यस சொன்னீங்க ஏசு ஏசு கர்த்தர் बोले என் புருஷனை புடிச்சு வைக்க கூடாதா क्यों तेरे पति को पकड़ नहीं रख सकती है புடிச்சு வைக்க முடியாது मैं पकड़ नहीं सकती हूं அவருடைய சித்தம் வந்துச்சு उसका इच्छा आया அவருடைய வேளை வந்துச்சு उसका इच्छा आया परलोक राज्यத்துல இருக்கறாரு उसके समय पर वो स्वर्ग राज्य में है मैं एक नाल பாப்பேன் मैं एक दिन देखूंगा நான் ஒரு நாள் பாப்பேன் मैं एक दिन देखूंगा नीचे வந்துச்சு உன்னிச்சாய் பார்க்கலாம் எல்லா காரியத்தை எப்படி செய்யறன்னு பார்க்கலாம்ங்க உன்னே போல सारे बातों को तो हमें ऐसा करती है எல்லா चीज செய்ய கத்தர்க்கிறது परमेश्वर सब करने के लिए मदद किया है தைரியங்க वो हिम्मत है எப்படி நீ பைபிள் எடுப்ப பார்க்கலாம்னு சொன்னாங்க कैसे तू बाइबल लेगा देखेंगे எப்படி நீ ஊழிய செய்வ பார்க்கலாம்னு சொன்னாங்க बोला कि कैसे तू सेवा करेगा देखेंगे என்னோடு கூட இருக்கறான்னு எனக்கு தெரியும் परंतु मुझे पता है यीशु मेरे साथ है சொல்ல मैंने जितना बताया அதிகமா தான் போயிட்டு இருக்கறேன் मैं उससे आगे बढ़ रहा हूं दूषिक दूषिक मैं जितना हां में बात कर रहे हैं जबचिट இருக்கறேன் उससे अधिक प्रार्थना कर रहा हूं और उपवासिक கூடாதன்னு சொல்ல சொல்ல वे लोग ने बताया உபவாசிக்கிறேன் வே லோக் ஜிதனா बोलते उससे अधिक उपवास लेता हूं காரியங்களை செய்கிறேன் परमेश्वर महान काम कर रहा है இந்த முடியாத பெரிய காரியங்களையோ என்னி முடியாத அதிசயங்களை செய்கிறவர் जो समझने से कहते हैं बड़े काम सिंह कभी இருக்கலாம் तेरे विरोध सिंह का गुफा सकता है ஒருவேளை உனக்கு விரோதமாய் ஒரு சில படைகள் வரலாம் तेरे विरोध एक बड़ा हमला भी हो सकता है தைரியமாய் परंतु हिम्मत के साथ रहना தைரியமாய் रह एक हिम्मत के साथ रहना हालेलुया सवकदा जिएगा तो भी यीशु के लिए हालेलुया में सवकदा मरेगा तो भी यीशु के लिए सिंह कभी पात पात नहीं सोर्ந்து போயிருப்பாய் ஆனால் सिंह के गुफा को देखकर तू निराश होगा आज तेरे अंदर झलन डालने दे பிக்கப்பட்டது कानून आया और சட்டத்துக்கு மாறாக उस कानून के बीच में अमन चेबी कारमी वो प्रार्थना करने लगा वेदते वासी कारमी था वचन पढ़ने लगा पाड आरमी था गीत गाने लगा अन सिंह कबीला पोड़ा पट्टा तो भी सिंह की गुफा में डाला गया सिंह सेद पड़तवे इल्ल परंतु उसे कोई हानिकारक नहीं हुआ उसे कोई हानिकारक नहीं हुआ विरोधमाय சில காரியங்கள் எழும்புகிறதோ तेरे विरुद्ध कुछ बात उठती है பயப்படாத मत डरना वो कुटुंबத்துக்கு விரோதமாய் எழும்புகிறதோ तेरे परिवार के विरुद्ध आ रहा है பயப்படாத मत डरना ஆண்டவர் உன்னோடு கூட இருக்கிறார் परमेश्वर तेरे संग है எல்லா ஜாதி ஜனங்கள் பார்க்கிற அளவுக்கு சிங்கத்தை வாய்களை கட்டவர் सारे लोग देखने समान सिंह के मुंह को परमेश्वर बांधेगा இரவுல நல்லா தூங்கி முழிக்கிறார் रात को अच्छे सोकर उठा वो राजा கேக்குறாரு राजा उसे पूछ रहा है அப்பா நீ ஆராதிக்கிற தேவன் तू आराधना करने वाला परमेश्वर நீ பாடின ஆண்டவர் तू गीत गाने वाला परमेश्वर நீ துதிச்ச ஆண்டவர் तू स्तुतिக்கிற वाला परमेश्वर உன்னை தப்பிக்க வல்லவராய் இருந்தாரோ तुझे बचाने के लिए सामर्थ्यवान था ஆமாண்டவரே उसने बोला हां ना உமக்கு விரோதமா பேசல मैं तेरे विरुद्ध बात नहीं किया ओ जनतक विरोधमा பேசல तेरे लोगों के विरुद्ध बात नहीं किया தேவனை மட்டும் நான் பார்த்தேன் केवल मेरे परमेश्वर को ही मैं देखा தேவனை மட்டும் நான் பார்த்தேன் केवल मेरे परमेश्वर को देखा தேவனை விடுவித்தார் मेरा परमेश्वर ने मुझे छुड़ाया தேவனை விடுவித்தார் मेरा परमेश्वर ने मुझे छुड़ाया அருமையான சகோதரனே परमेश्वर के प्रिय लोगों அருமையான சகோதரியே प्रिय बहनों அருமையான தாயே प्रिय माजी அருமையான தகப்பனே प्रिय पिता लोगों நீ கர்த்தரை மட்டும் முன்னாடி வெச்சனா केवल तू परमेश्वर को आगे रखेगा तू डरने का जरूरत தைரியமா நடக்கலாம் हिम्मत के साथ चल सकता है लगातार சொல்லுவாங்க संसार लोग बताएंगे வடியில மடியில பய கனா இருந்தாதா வடியில பயம் अपने को अपने मांडी पर बोझ रहेगा तो ही जाने वाले रास्ते पर डर लगेगा हालेलुया हालेलुया மடியில கனா இருந்தாதா என்ன வருமாங்க ஐயோ கள்ள வருவானே கள்ள வருவானே கள்ள வருவானே அப்படி பா ज्यादा
बोझ रहेगा या तो अच्छा संपत्ति रहेगा तो मार्गों पर ऐसा लगेगा कि लुटेरा आ जाएगा, कर डर आएगा, हिम्मत रहेगा तो, धैर्य रहेगा तो, हिम्मत होगा तो, कल्लन को भयपड़ते वेला लुटेरे को डरने की जरूरत नहीं, भयपड़ते वेला समस्या से डरने की भयपड़ते वेला संघर्ष के लिए डरने की जरूरत नहीं, भयपड़ते वेला बीमारी के लिए डरने की जरूरत नहीं, भयपड़ते वेला तकलीफ के लिए डरने की जरूरत नहीं, भयपड़ते वेला या पिल्ले के यहां जाति ले कल्याण होगा, मेरे बेटे को मेरे जाति में शादी होगा क्या, छत में केक लिए आवाज ही नहीं आ रहा है, वही डर लग रहा है, अयो कैंसर मार चिन्ना कट्टी दांगा वंदिचे, एक छोटा कैंसर ने मारे रखते भयम मार रखते, छोटा सा घाटा है कैंसर के समान लग रहा है, डर लग रहा है, चिन्ना बिजनेस पंड रहे छोटा बिजनेस आशीर्वादी परन भयम मार रखते, मैं छोटा बिजनेस कर रहा हूँ मेरे धंधे को परमेश्वर आशीर्वाद करेगा क्या, आज भविष्यवाणी कर रहा है, धैर्य कमी आज हिम्मत दिलाने के लिए परमेश्वर लेकर आया, वारं तिरुनेलवेली लेरुंदु पिछले हफ्ता तिरुनेलवेली में था तिरुचबेला 7000 பேர் இருக்கிற திருச்சபையில இருந்து கர்த்தர் ஆராதனை செய்ய கர்த்தர் கொடுத்தார் 7000 லோக் ஆனி வல்ல கலிசம் இருக்கிற ஆராதனைக்கு இந்த வாரம் எங்க இருக்கிற ஏ ஹஃப்தா யஹா ஹே ஹalleluya அவருடைய திட்டங்க उसका योजना है அவருடைய நோக்கம் उसका उद्देश्य है उसका योजना है உங்களை பார்த்து கர்த்தர் சொல்றார் आपको देखकर परमेश्वर कहता है உங்களை பார்த்து கர்த்தர் சொல்றார் आपको देखकर परमेश्वर कहता है உங்களை பார்த்து கர்த்தர் சொல்றார் आपको देखकर परमेश्वर कहता है நோக்கத்தோட கொண்டு வந்திருக்கிறார் பரிசுத்த வங்களுக்கு மத்தியில நிக்க வைத்த என் தேவனுக்கு நான் நன்றி செலுத்துகிறேன் பவித்திர லோகோ கே பீச் மே கடாய் மே பரமேஸ்வர் கோ தன்னிவாத் கர்த்தா ஹூ முதல் காரிய அவரை நோக்கி கூப்பிடுங்க பहिला उसकी ओर बुलाओ எந்த சூழ்நிலையிலயோ ஜோபி பரிஸ்தி எந்த பிரச்சனையிலயோ ஜோபி சமஸ்யா எந்த நெருக்கத்திலயோ ஜோபி தக்லீஃப் எந்த கஷ்டத்திலயோ ஜோபி தக்லீஃப் மனுஷனை நோக்கி பார்த்து கூப்பிட்டு சோர்ந்து போனே உங்களுக்கு கர்த்தர் கொடுக்கிற வார்த்தை அவரை மட்டும் நோக்கி பாருங்க இன்சான் கோ தேக்கர் புலாக்கர் தக்சி ஹுவே ஆப்கி ஜிந்தகி பர் பரமேஸ்வர் கி ஓர் புலானா ரெண்டாவது பலன் கொடுக்கறார் दूसरा பல் देता है ஆத்மால பலன் கொடுக்கறார் ஆத்மா மே பல் देता है ஆத்மால பலன் இல்லன்னா தோய்ந்து போய்டுவோம் ஆத்மா மே பல் தே தம் தக ஜெயசி மே பட் ஜாயேங்கே தலங்கி போய்டுவோம் யாக்குல் மே பட் ஜாயேங்கே பாக்க போதன் சொல்லிரவோ ஜிந்தகி காட்சி கர பதா தேங்கே நாம கேள்வி கேட்போம் சவால் பூச்சேங்கே பரமேஸ்வர் சே انا ஆத்மால பலன் கேளுங்க परंतु आत्मा में बल मांगना மூணாவது தைரியத்தை கேளுங்க तीसरा हिम्मत मांगना விரோதமா பெரிய சிங்க கபி இருக்கலாம் तेरे विरुद्ध बड़ा सिंह का गुफा हो सकता है सिंह कभी இருக்கலாம் बड़ा सिंह का गुफा हो सकता है சாத்ராக் மேஷாக் ஆபேத்துக்கு उस சாத்ராக் மேஷாக் ஆபேத் நெஹூ के பிச்சமே 7 மடங்கு அக்கினி 7 गुना छुटा 7 மடங்கு அக்கினி 7 गुना பட்டி लगाए थे परंतु वचन में लिखा है தண்ணீர் மேல் கடப்பாய் तो पानी के ऊपर से जाएगा அக்கினி மேல் நடப்பாய் அக்கினி में होकर जाएगा ஏகாதிருப்பாய் परंतु तो भस्म नहीं होगा வார்த்தை அந்த பரிசுத்தவான் கேட்டதனால इस वचन को उस पवित्र इंसान सुना इसलिए वो अग्नि को देखकर नहीं डरा और नाल एक दिन एनोडे वीड़ मेरा घर और ओला वीड़ एक छोटा सा तंबू के समान है चालीस से साठ रुपया के भाड़ा की कत्तुडे नाम महिमिका आयरती तोलायरती एलवती एलाद वर्ष नान येसु क्रिस्तुवे सोंद रक्षकराग एट्टुकोंड 1976 में येसु को मैं उद्धार कर्ता के समान स्वीकार कर लिया पिन्ने எனக்கு திருமணம் முடிந்தது उसके बाद मेरा शादी हुआ எனக்கு ரெண்டு பிள்ளைகளை கர்த்தர் கொடுத்தார் मुझे दो बच्चे परमेश्वर ने दिया என்னோட ஊர் தூத்துக்குடி மாவட்டம் मेरा गांव जो है தூத்துக்குடி का डिस्ट्रिक्ट है நான் என்னோட அப்பா அம்மா எனக்கு சென்னைக்கு கூட்டிட்டு வந்துட்டாங்க जैसे जन्म होते मेरे मां-पिता ने मुझे चेन्नई लेकर आ गए அப்பா ஒரு வாத்தியாரா இருந்ததனால मेरा पिता एक शिक्षक है அவங்க இங்க ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆகி இங்க வந்துட்டாங்க वे लोग ट्रांसफर होकर चेन्नई आ गए மூணு அண்ணன் मेरे लिए तीन भाई और அக்கா एक दीदी है நான் தான் கடைசி பிள்ளை मैं आखिरी बच्चा हूं ஏசமி பிடிக்காது యేసు को पसंद नहीं था యేసుడి அன்பு எங்களுக்கு தெரியாது యేసు का प्यार मुझे पता नहीं था वाला इल्ला नु वो इनका कुछ काम नहीं करकर बता देते बड़े बड़े वाले कटिट वंदटाले और सफेद कपड़ा पहन कर आते चली पेसना ऐसे हम चिल्लाते थे हालेलुया हालेलुया கிறிஸ்தவங்களுக்குன்னா வேலை இல்லைன்னு சொன்னேன் हां मैं बताया मसीह लोगों का काम नहीं है அதனால தான் உலக எங்க உலக நாடு எங்க போயிட்டு இருக்கு इसलिए पूरे संसार में आज मैं जा रहा हूं हालेलुया இப்படி என்னோட வாழ்க்கையில திருமணமாய் ஆந்திராவுக்கு கடந்து போனேன் ஐசி சாதியோகர் ஆந்திராவுக்கு ஓர் ஹம் गए थे ஆந்திராக்கு கடந்து போய் அங்க ஒரு சில போராட்டத்தின் மித்தமாய் சென்னைக்கு வந்தோம் ஆந்திரா में कुछ तकलीफ के बीच में हम लोग சென்னை वापस आए நான் கொஞ்ச நாட்கள் போலீஸ் துறையில இருந்தேன் थोड़ी दिन मैं पुलिस में काम करता था என்னோட அருமையான என்னோட கணவருக்கு அந்த வேலையை தருகிறேன்னு சொன்ன உடனே मेरे पति को काम दे रहे करकर बताते ही நான் எழுதி கொடுத்துட்டு मैं रिजाइन करकर என் கணவருக்கு கேட்டேன் मेरे पति के लिए पूछा என் கணவருக்கு அந்த வேலை கிடைச்சிச்சு मेरे पति के लिए भी काम मिला சென்னைக்கு வந்தோம் சென்னை आया சென்னையில அந்த வேலை செய்து கொண்டிருக்கும்போது சென்னை பர் जब वो काम कर रहे थे ரெண்டு மூணு போலீஸ்காரர் இவர் தெரியாம வேணும் என்ன அடிச்சிட்டாங்க दो तीन पुलिस वाले लोग अचानक इसको मार दिया அடிச்சனால ஒரு பிரச்சனை एक समस्या आया இவங்களை எழுதி கொடுத்துட்டாங்க இன்னொன்னு भी रिजाइन कर दिया சென்னையில இருந்தோம் சென்னை में थे வறுமை தருத்திரம் கஷ்டம் और तकलीफ आने लगा இந்த சூழ்நிலையில நாங்க திருவெஞ்சூருக்கு போனும் और इसके परिस्थिति में திருவெஞ்சூர் करके काम किया நான் ஒரு தொழிலில போய் சேர்ந்தேன் फिर एक बार एक धंधे पे मैं शुरू किया ஒரே கம்பெனில ரெண்டு பேர் வேலை செய்ய ஆரம்பித்தோம் एक ही कारखाना पर दोनों काम करने लगे ஆண்டவர் என்னோடு பேசினார் परमेश्वर मुझसे बात करने लगा இவ்வளவு நேர ஊழியத்துக்கு வா என்று சொல்லி கூப்பிட்டார் पूरा सेवा के लिए मेरे पास आ जा நாங்க பக்கத்துல போனது கிடையாது तब मैं उसके बाजू में नहीं भी गया
लेना इन्हें तेरिया मुझे ये भी नहीं पता सेवा क्या है यीशु पति सोला तेरिया यीशु के बारे में बताने नहीं पता यीशु पति पैसा तेरिया यीशु के बारे में बोलना भी नहीं पता था अन्य उल्लेख कर तले लगाई हुई था परंतु जो भी सेवक से मेरे सिर पर हाथ रख रहे वो बोलता था सेवा पर आना है हर सेवक बोलता था सेवा पर आना है मैं सेवा पर नहीं आ सकती हूं वरना पड़त कड़ंद नाय वंदे ने कड़च एक दिन मैं लेटी हुई थी एक कुत्ता आकर मुझे काट लिया अल्लाह कड़च उड़ने अच्छा काट लिया था डॉक्टर ला सुनांगा डॉक्टर ने बताया नी चत पोइरवेना तो मर जाएगा भयतिन मिगदियाग डर के साथ ஆண்டவரே உங்களுடைய ஊழியத்துக்கு நான் ஒப்பு கொடுக்கிறேன் मैं समर्पण किया यीशु में तेरा सेवा करूंगा हालेलुया அன்றைக்கே நான் இயேசு கிட்டத்துல நான் ஒப்பு கொடுத்தேன் उस दिन यीशु के पास मुझे समर्पण किया चंगाई मिला வேலைய விட்டுட்டேன் काम को छोड़ दिया என்ன வேலை செய்யறதுன்னு தெரியல मुझे पता नहीं था क्या काम करना है ஜெபிக்கிற வேலைய செய்ய ஆரம்பித்தேன் मैं प्रार्थना करने का काम शुरू किया मैं मुड़ंगा अगले 3 மணி நேரம் 4 மணி நேரம் முடங்க ஆரம்பித்தேன் मेरे घुटने को 3-4 घंटा में घुटने लगा तकलीफ आया कष्ट வந்துச்சு पूरा तकलीफ आने लगा வந்துச்சு समस्या आया பலவிதமான சூழ்நிலை வந்துச்சு कहीं परिस्थिति आया एक अनवर சொன்னாங்க मेरे पति ने बताया நீ வேலைக்கு போலாமே तू काम कर सकती है இல்ல 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 இனிமே நான் வேலைக்கு போக முடியாது मैंने बताया नहीं मैं सेवा नहीं काम नहीं कर सकता हूं எங்க பாஸ்டர் மா கூட பைபிள் தூக்கிட்டு போக ஆரம்பித்தேன் मैं मेरे पास्टर के साथ मैं बाइबल उठाकर जाने लगा எனக்கு அப்ப ரெண்டு பிள்ளைங்க तब मेरे लिए दो बच्चे थे அந்த ரெண்டு பிள்ளையில ஒரு பிள்ளை दो बच्चे में एक बच्चा பட்டம் காத்தாடி செய்துட்டே இருந்தா वो पतंग बनाता था அந்த காத்தாடி செய்து முடிச்சிட்டு वो पतंग बनाकर இப்பதான் எல்லா கேஸ் ஸ்டவ் எல்லாம் வச்சிருக்கேன் அப்ப வால் தூள் அடுப்பு अभी जब गैस स्टोव पहला सिगड़ी था அந்த வால் தூள் அடுப்புக்குள்ள அந்த பட்டத்தை விட்டுட்டா उस मट्टी उस लकड़ी की सिगड़ी के अंदर उस पतंग को छोड़ दिया அது எல்லாம் பிடிச்சி वो सब जल कर அந்த ஓல விடலாம் பிடிச்சி वो जो तंबू पूरा जल गया था எல்லாம் கருகி सब भस्म हो गया था நான் பாஸ்டர் மா ஊழியத்துக்கு போயிட்டு வரோம் हम और पास्टर की पत्नी जो है सेवा करकर आ रहे थे எல்லாரும் சொல்றாங்க सब लोग ने बताने लगा ஒரு கிறிஸ்துவ வீடு எரியுதுங்க एक मसीह का घर जल रहा है ஒரு கிறிஸ்துவ வீடு எரியுதுங்க एक मसीह का घर चल रहा है ஒரு கிறிஸ்துவ வீடு எரியுது एक मसीह का घर जल रहा है வந்து பார்க்கற ரெண்டு குட்டி குட்டி பிள்ளைங்க தான் இருக்காங்க ஆக்கர் देखा तो दोनों छोटे छोटे नन्हे नन्हे बच्चे थे घर नहीं था எல்லாரும் சொல்றாங்க सभी लोग ने बताया நீ அவ்ளதா இனிமே உங்க புருஷன் கிட்ட வாழவே முடியாது அபி इतना ये तेरा पति के साथ नहीं जी सकता போட்டுட்டு நீ செத்துறன்னு சொன்னாங்க तो दो बच्चों को छोड़कर तो मर जा انا இன்ன வரைக்கும் அந்த தேவன் சாகவே விடல आज तक मेरा यीशु ने मुझे मरने के लिए दिया हालेलुया हालेलुया கெட்டத்துக்கு போடவ கிடையாது पहनने के लिए साड़ी नहीं था सापड़े सापड़ கிடையாது खाने के लिए भोजन नहीं था पड़ने के लिए इடம் கிடையாது सोने के लिए जगह नहीं था பெரிய பெரியவங்க வந்து பார்க்கறாங்க बड़े बड़े लोग आकर देखा बाइबल बाइबल தூக்குனியே बाइबल उठाया यीशु செய்வார்னு சொன்னியே और बताया यीशु करेगा कि नहीं தெருல கிடக்குற आज तू सड़क में है انا கர்த்தருடைய நாமமே மகிமைக்கா சொல்லுகிறேன் परंतु परमेश्वर के नाम की महिमा के लिए बता रहा हूं मात्र வந்து சொன்னாரு एक सेवक आकर बोला நீங்க தைரியமா இருங்க சிஸ்டர் आप हिम्मत के साथ रहना நீங்க அக்கினி வந்துச்சின் பார்க்காதங்க அக்னி ஆகக்கர் மத்தியோ நீங்க நெருப்பு வந்துச்சின் பார்க்காதங்க घर जल गया कर मत देखो செத்து போவீங்கன் பார்க்காதங்க देखो मर जाएंगे यही गांव में இதே தேசத்துல यही देश में உங்களை கர்த்தர் ஆசீர்வதிப்பார் आपको परमेश्वर आशीर्वाद करेगा मैं சொல்லல துட்டுக்கிட்டு குடுப்பார்னு பார்த்தேன் मैं सोचा कि कोई तो पैसा देगा انا அவரோ परंतु वो भी ஏசாமி வார்த்தை சொல்லிட்டு போறாரு यीशु का वचन बताकर चला गया வந்ததனால கட்டற துணி போயிடுச்சு இந்த சேவா पर आया इसलिए சாப்பாடு போயிடுச்சு कपड़ा भोजन गया படுக்கிறதுக்கு மாட்டு கொட்டாய் வந்திருச்சு और सोने के लिए मुझे गौशाला मिला मेरे ஐயா வந்தாங்கனா அடிச்சு கொன்னு போட்டுருவார் मेरे घर का मेरे पति आएगा तो मार ही डालेगा मुझे அட ஆரம்பிச்சு मैं रोने लग गया ஆண்டவர் கொடுத்த வார்த்தை पुड़ी कारमिच्छ परमिशन जो वचन दिया उसे पकड़ने लगा अंदर ऊर ले इर कारमिच्छ हिम्मत के साथ गांव में बैठने लगा कतर अंदर ऊर लास बुज गांव में परमिशन में आशीर्वाद करने लगा हालेलुया சொந்தம் போச்சுங்க मेरे रिश्तेदार चले गए பந்தம் போச்சு सारे रिश्तेदार चले गए உறவு போச்சு मेरे रिश्तेदार चले गए தைரியமா அந்த ஊர்ல ஒரு பெண்ணா நான் நின்னதுனால परंतु हिम्मत के साथ एक स्त्री होकर इस गांव में खड़ा हुआ இந்த ஊர்ல என்ன ஆசீர்வதிச்சிருக்கிறார் आज उस गांव में परमेश्वर ने आशीर्वाद किया ஒரு பாட்டு பாடுனாங்க एक अच्छा गीत गाए थे ईसाक அந்த தேசத்துல விதவிதச்சான் ईसाक ने उस देश में भी बोया वही साल में ஒரு மடங்கு இல்ல एक गुना नहीं ரெண்டு மடங்கு இல்ல दो गुना नहीं 10 மடங்கு இல்ல 10 गुना नहीं 20 மடங்கு இல்ல 30 गुना नहीं 50 மடங்கு இல்ல 50 गुना नहीं हिम्मत के साथ उस गांव में खड़ा हुआ मेरा परमेश्वर मुझे आशीर्वाद किया आशीर्वदिक मटारा क्या आपको आशीर्वाद नहीं करेगा मटारा क्या आपको नहीं उठाएगा मेन्मे पड़ता मटारा आपको ऊंचा नहीं करेगा பின்பு மூணாவது ஒரு பிள்ளையை கொடுத்தேன் तीसरा एक बच्चे को देकर எனக்கு மூணு பிள்ளைகளுக்கு திருமணத்தை முடித்து आज तीन बच्चों को शादी करवा दिया அந்த நாலு பேரும் பெத் பிள்ளைகளை கொடுத்தேன் उसमें चार पोता पोती को दिया என் குழந்தை பிள்ளைகளுக்கு திருமணத்தை முடித்து मेरे रिश्तेदारों की शादी करवा के 10 பிள்ளை பேரம்பேத்திகளை கொடுத்து और उनको भी 10 पोता पोती को दिया எட்டு திருமணங்களையும் அருமையாய் முடித்து அதே பகுதியில் கர்த்தர் என்னை ஆசீர்வதித்தார் आठ लोगों को शादी करवा के दिया वही जहां पर परमेश्वर मुझे आशीर्वाद किया
உங்களை உயர்த்த மாட்டாருமேஸ்வர தனிமையின் பாதையில் தகப்பனே உம் தோளில் சுமந்ததை நான் மறப்பேனோ, சுமந்ததை நான் மறப்பேனோ. தனிமையின் பாதையில் தகப்பனே உம் தோளில் சுமந்ததை நான் மறப்பேனோ, சும
வந்ததை நான் மறப்பேனோ? எத்தனை அன்பு என் மேல், எத்தனை பாசம் என் மேல், எத்தனை அன்பு என் மேல், எத்தனை பாசம் என் மேல், இதற்கு ஈடு என்ன தருவே நான். இதற்கு ஈடு என்ன தருவே நான், இதற்கு ஈடு என்ன தருவே நான். சபித்து என்னை தூச்சும் போதெல்லாம் ஆசீர்வதித்து உயர்த்தி மகிழ்கிறேன். பல சபித்து என்னை தூச்சும் போதெல்லாம் ஆசீர்வாதித்து உயர்த்தி மகிழ்கிறே. உள்ளத்துக்குள் என்னை வரைந்தீரே, இதற்கு ஈடு என்ன தருவேனா? உள்ளத்துக்குள் என்னை வரைந்தீரே, இதற்கு ஈடா என்ன தருவேனா? எத்தனை அன்பு என் மேல், எத்தனை பாசம் என் மேல், எத்தனை அன்பு என் மேல், எத்தனை பாசம் என் மேல், இதற்கு ஈடு என்ன தரு? நாரபல சபல கதரவா ஈடா என்ன தரு? இதற்கு ஈடு என்ன தருவே? இதற்கு ஈடா என்ன தருவே? இதற்கு ஈடு 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 என்ன தருவே? கர்த்தர் உங்களை ஆசீர்வதிப்பாராக. பரமேஸ்வர் ஆப்கோ ஆசீர்வாத் கரே. நேரத்தையும் இந்த சமயத்தையும் கொடுத்த முதலாவது என் தேவனுக்கும், அருமையான மூத்த ஊழியக்காருக்கும், இளைய ஊழியக்காருக்கும், இயேசுவின் நாமத்தினால நன்றியும் கனத்தையும் மகிமையும் செலுத்துகிறேன். எனக்காக என்னுடைய ஊழியத்துக்காக ஜெபிங்க. இன்னும் பல இடங்கள்ல கர்த்தருடைய அழைப்போடு கூட நான் ஓடிக்கொண்டிருக்கிறேன். சரீரத்துக்கு எனக்கு நல்ல சுகம் கிடைக்க இன்னும் கர்த்தருடைய நாமத்தை இன்னும் மரணவரியந்தும் உயர்த்தி ஓடி அவருடைய ஓட்டத்தை முடிக்க எனக்கு கிருபை தரும்படி அடியாளுக்காக, அடியாள் கொடுத்த குடும்பத்துக்காக, திருச்சபைக்காக, ஊழியங்களுக்காக ஜெபிக்கும்படி தாழ்மையோடு கேட்டுக்கொள்கிறேன். கர்த்தர் இந்த நேரத்தை கர்த்தர் ஆசீர்வதிப்பாராக.